अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। अब नीट और JEE की तैयारी होगी भिवंडी में ही। जेनेसिस साइंस ट्यूटोरियल लेकर आए मुंबई के बेस्ट टीचर्स, जिनकी बेस्ट कोचिंग से GST के 11 स्टूडेंट्स ने नीट क्वालिफाई किया है। अब हर रोज मुंबई ट्रेवल करना और परेशानी झेलना हुआ बंद। बैचेस स्टार्टेड फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स। GST क्लासेस फॉर नीट, CET एंड JEE। पता है अबूजी आर्केड, फर्स्ट फ्लोर, अपोजिट आयशा मेडिकल, नियर श्रीदेवी ज्वेलर्स, वंजारपट्टी नाका, भिवंडी। भिवंडी नजराना टॉकीज के कंपाउंड में लगाया गया है पटाखा बाजार, जहां भिवंडी महापालिका द्वारा अधिकृत लाइसेंस विक्रेता सस्ते दाम में बेच रहे हैं पटाखे। फायर सेफ्टी के तहत सारा इंतजाम किया गया है। अगले 5 दिनों के लिए रहेगा ये पटाखा बाजार, जहां अधिकतर पटाखे हानिकारक केमिकल और प्रदूषण मुक्त है। भिवंडी तालुका में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 31 ग्राम पंचायत में से 14 ग्राम पंचायत में मारी बाजी। इस ग्राम पंचायत इलेक्शन में जीतने वाले सदस्यों को पूर्व आमदार रुपेश मात्रे ने सम्मानित किया। शिवसेना के 2 गुट होने के बाद ये पहला चुनावी मौका था जहां सत्ता से बाहर बैठे उद्धव ठाकरे की पार्टी ने अपना परचम लहराया। भिवंडी के वरिष्ठ पत्रकार खान फखरे आलम अपने सहयोगी के साथ भिवंडी से दिल्ली तिरंगा यात्रा पर निकले। वहीं खान फखरे आलम ने पंजाब के कासा क्षेत्र में शियाब चट्टू से मुलाकात की, जो केरला से पैदल हज के लिए निकले हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर है कि शियाब चट्टू को पाकिस्तान के लिए वीजा नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो वाघा बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे, जिस पर खान फखरे आलम ने पुष्टि की है कि सोशल मीडिया की सारी खबरें गलत है। दीपावली के त्यौहार के मौके पर नकली खाद्य पदार्थों से बनाई गई मिठाइयों की बिक्री में बढ़ोतरी हो जाती है। वहीं थाने के FDA डिपार्टमेंट ने गुजरात से कल्याण लाए गए एक ट्रक को काला तालाब से हिरासत में लिया, जिसमें भारी मात्रा में मिलावटी मावा पाया गया है। फिलहाल FDA की टीम ने मावे के सैंपल को लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया है। हर साल दिवाली के मौके पर लाखों किलोग्राम मिलावटी मावा पकड़ा जाता है। मुंबई कुर्ला के ex-MLA और टेक्सटाइल मिनिस्टर कांग्रेस के आरिफ नसीम खान ने मनाया आज अपना 59वां जन्मदिन, जहां भिवंडी कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने उनके निवास स्थान पर जाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। आरिफ नसीम खान को 2017 में बेस्ट MLA अवार्ड से सम्मानित किया गया था। थाने शहर के नागपाड़ा इलाके में कल देर रात 2 गुटों में झड़प के बाद फायरिंग की घटना सामने आई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रॉपर्टी का था सारा मामला और फायरिंग की वारदात ओम साई प्रॉपर्टीज ऑफिस के बाहर हुई। थाने पुलिस जुटी जांच पे। 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक दीपावली के मौके पर गुजरात ट्रैफिक पुलिस द्वारा कोई भी चालान नहीं कटेगा, गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष संघवी ने किया ऐलान। साथ ही मंत्री महोदय ने जनता से आग्रह किया है कि चालान नहीं कटेगा इसका मतलब ये नहीं कि लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन न करें। प्रेम विवाह और प्रेम संबंध के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया अहम फैसला। उत्तर प्रदेश के संदीप कुमार और साक्षी पंचाल ने साल 2021 में प्रेम विवाह कर शादी का रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन लड़की के घर वालों ने उसे जबरन घर में बंदी बना लिया था, जिस पर संदीप कुमार ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस संजय कुमार ने आदेश जारी किया है कि जीवन साथी का चयन व्यक्तिगत है और 2 वयस्कों के बीच मानवीय रिश्ते और प्रेम संबंधों के बीच कोई दखल नहीं दे सकता। जीजाव शैक्षणिक व सामाजिक संस्था के सामाजिक कार्य के फलस्वरूप जीजाव संगठन महाराष्ट्र को 2022 के ग्राम पंचायत इलेक्शन में थाने और पालघर जिले से मिली भारी जीत, जिसमें 85 ग्राम पंचायत सरपंच और 650 ग्राम पंचायत सदस्य हैं। जीजाव संगठन के संस्थापक नीलेश सामरे ने इस जीत पर जनता का आभार व्यक्त किया। आज सेंसेक्स 104 अंकों की बढ़त के साथ 59,307 पर हुआ बंद। वही निफ्टी 12 अंकों की बढ़त के साथ 17,576 पर हुआ बंद। गोल्ड 51,003 पे ट्रेड करते हुए, सिल्वर 57,430 और क्रूड ऑयल 7,229 पे ट्रेड करते हुए।